टीवी इंडस्ट्री के लवेबल कपल शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर हाल ही में एक बेटे के माता पिता बने हैं और दोनों अपने बेटे को पाकर काफी खुश हैं। पर दीपिका का बेबी टाइम से पहले ही हुआ है और अभी वो प्री मैच्योर है, जिसके चलते शोएब इब्राहिम अभी थोड़े से इमोशनल हो गए थे क्योंकि दीपिका की डिलीवरी टाइम से पहले ही हो गई है। पर आखिरकार किस तरह से इमोशनल हुए हैं शोएब इब्राहिम और उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने बेटे के लिए, चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। पर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। ससुराल सिमर की फेम एक्ट्रेस दीपिका कक्कर की हाल ही में प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई है और एक्ट्रेस ने एक नन्हे राजकुमार को जन्म दिया है। पर एक लेटेस्ट इंटरव्यू में शोएब इब्राहिम ने अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए दुआ मांगी है। जी हां, शोएब इब्राहिम ने कहा कि मैं खुश हूं कि मैं और दीपिका फाइनली अब पेरेंट्स बन गए हैं। पर उन्होंने कहा कि दीपिका की प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई है और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। हालांकि उनके बेटे को अभी इनक्यूबेटर में रखा गया है और शोएब इब्राहिम ने कहा कि फिलहाल मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप मेरे बेटे के लिए दुआ मांगो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और हम उन्हें अपने घर ले जा सके। और उन्होंने साथ ही ई टाइम से बातचीत करते हुए कहा कि मैं अभी अपने बच्चे के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता। साथ ही बता दें, दीपिका और शोएब 21 जून 2023 को माता पिता बने हैं और अभिनेता शोएब इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शेयर करके अपने फैंस के साथ अपनी ये खुशखबरी शेयर की थी और पोस्ट में लिखा था, अलहम्दुलिल्लाह 21 जून 2023 की सुबह हमारे घर एक बेटे ने जन्म लिया। पर आपकी पर दीपिका की डिलीवरी प्रीमैच्योर थी, पर डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग दुआ कीजिए कि हमारा नन्हा मेहमान जल्दी से ठीक हो जाए। वहीं बता दें, दीपिका कक्कर ने साल 2018 में शोएब इब्राहिम से शादी की थी और उनकी पहली शादी साल 2011 में रौनक से हुई थी, जिनसे एक्ट्रेस का साल 2015 में तलाक हो गया। खैर, शोएब और दीपिका शादी के बाद से ही टेलीविजन के बेस्ट कपल्स की लिस्ट में शुमार हैं और कुछ महीने पहले ही दीपिका ने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की थी और उनकी जुलाई में डिलीवरी होनी थी, लेकिन समय से पहले ही उन्होंने बेबी को जन्म दे दिया। और इस तरह से शोएब अपने बेटे की वजह से परेशान है और उन्होंने बस अभी इतना कहा कि अभी मेरे बेटे के बारे में आप ज्यादा मत पूछो, फिलहाल मेरे बेटे के लिए दुआ करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। वेल दोस्तों, आप अभिनेत्री दीपिका कक्कर के प्रीमैच्योर बेटे के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।